गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो जी देखो, आज मेरा डे 10 है और 32 बार फॉर्मूला यूज़ करके सब चीज़ें खाकर अपनी वेट लॉस जर्नी कर रही हूँ। और सुबह उठी थी मैंने, यहाँ पर जीरा वाटर लिया था 7 बजे। उसके बाद ब्रेकफास्ट मैंने 7:45 के अराउंड कर लिया था, यानी 7:45 बजे के टाइम, जिसमें मैंने म्यूजली ली थी और ओट्स जो भी होता है, थोड़ा सा दूध डाला था इसमें क्योंकि दूध ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और फिर जी ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। उसके बाद भाई मैं मिड मॉर्निंग स्नैक में कोई भी एक फ्रूट लेती हूँ जो भी घर में अवेलेबल होता है, ठीक है। मिड मॉर्निंग में ना फ्रूट्स ही लेना चाहिए, शाम के वक्त मैं ना ज़्यादा अवॉइड करती हूँ फ्रूट्स को लेना, ये बेस्ट टाइम होता है फ्रूट को लेना। मैंने यहाँ पर कस्टर्ड एप्पल ले लिया था, ठीक है जी। ये रहा मिड मॉर्निंग स्नैक जो कि कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अब बारी आती है लंच की। लंच में वैसे मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए मलाई टिक्का। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है, साथ में इसमें मेरा चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, चाट मसाला, नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सब चीज़ें डालती थी, नमक और दही थोड़ी सी, ठीक है। आप इस तरीके से बनाओ ये सारे मसाले डाल के, और आप इसको रोस्ट करके ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो अपनी वेट लॉस जर्नी में, कभी भी वेट गेन नहीं करेगा, ठीक है। और जीरो ऑयल में भी ये बन जाता है। बस इसे मैं मिक्स करूँगी, और ऑयल वगैरह मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ हर एक चीज़ में। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम ऑयल कर दूँ, जिसमें कम हो सके उसमें तो कर ही दूँ, और इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ कुछ भी बनाऊँ, ठीक है। और ऑयल जो होता है ना बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, ठीक है, और कैलरीज भी ज़्यादा हो जाती हैं। बस इसको ऐसे ही रोस्ट कर लिया था। आप चाहें तो इसमें थोड़ा इसको सेक सकते हैं टिक्का टाइप फ्लेवर लाने के लिए गैस पे, बट मैंने आज सेका नहीं, खाली ऐसे ही खाऊंगी। और इस टाइम पे आप प्याज टमाटर ऐसे इसके साथ भून सकते हो, प्याज टमाटर तो नहीं, सिर्फ प्याज वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह। और ये रही क्रीम, क्रीम में मैंने थोड़ा सा ग्रीन चटनी, चाट मसाला, नमक, ये सब चीज़ें डाल दी थी, और जो भी मेरा चिकन है रोस्ट किया हुआ वो इसमें ऐड कर दूंगी। फिर ऊपर से मैं इसको, जैसे मलाई टिक्का है तो बच्चे बटर खाते हैं, तो बटर डाल दूंगी मेल्टेड। आप खाली चिकन जो रोस्ट किया है उसके 6 से 7 पीस भी ले सकते हो अपनी वेट लॉस जर्नी में, चाहे लंच में या डिनर में, कभी भी वेट गेन नहीं करेगा, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। क्रीम वगैरह डेली तो नहीं बोलूँगी, बट कभी कभी आप ले सकते हो ये सब चीज़ें भी। मैं सब कुछ खा के अपनी वेट लॉस जर्नी कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो जो भी रहता है। मैं तो ये बट खाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कल ही बटर चिकन खाया था, उसकी रेसिपी भी डाली थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। मैं बना रही हूँ यहाँ पर अपने लिए दाल चावल, थोड़े से मैंने दाल बनाई थी, अली को पसंद है, और थोड़े से राइस। तो यहाँ पर राइस की क्वांटिटी कितनी थी, सिर्फ 4 टी स्पून, खाने वाला जो स्पून होता है, और दाल बहुत सारा लेना है, ठीक है। और इससे पहले मैंने लेक्टस के पत्ते होते हैं ना जो सैलड में यूज़ करते हैं, वो मैंने बाउल भर के लिया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, खाली दाल के साथ भी डिप डिप मतलब मिक्स करके खा लो। फिर ऊपर से प्याज और खीरा डाल दिया था। अब आप देख सकते हो कि मैंने इसमें काप कितना कम लिया है, सिर्फ 4 टीस्पून मैंने राइस लिए हैं और दाल बहुत ज़्यादा, सैलड की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा लेने वाली है। कहते हैं ना आधी प्लेट में सिर्फ सैलड होना चाहिए, जो काब होता है ना वो बहुत कम होना चाहिए, फाइबर का इंटेक जितना आपकी बॉडी में जाएगा उतना अच्छा है। तो ये अच्छा सा बाउल बन के तैयार हो गया है। अब बस क्या करना है, अंदर जाऊंगी और बैठ के 32 टाइम च्यू करके खाऊंगी। और यहाँ मेरा बच्चा अली नमाज पढ़ रहा था, मैंने तो खैर पढ़ ली थी, फिर मैंने अली से बोला चलो नमाज पढ़ लो आप भी, वैसे बच्चा बिना कहे पढ़ लेता है। बस अब नीचे बैठ गई मैं और 32 टाइम च्यू करना है, और दिखाने के लिए आपको मैं गिनती हूँ। बाकी मेरे ख्याल से 27, 28, 29 पे ही जो मेरा बाइट है वो पेट में चला जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ती जाएगी, वरना मैं 15-12 इसी बार च्यू करती थी। अब आई आती शाम होते होते चाय की क्रेविंग बढ़ गई थी, फिर मैंने सोचा चलो चाय बना लो। भाई सब चीज़ें खा रहे हैं तो भाई शाम में मैं कभी कभी चाय भी लेने लगी, और जिस टाइम सर में दर्द होता है, कोल्ड कफ होता है, चाय तो भाई चाहिए। ये है अदरक वाली, इलायची वाली, दालचीनी, अदरक, इलायची, लौंग और ये सब चीज़ें डाल दी थी, सौंफ, अजवाइन, जिससे कि ये नुकसान भी नहीं देगी और आपकी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गैस की प्रॉब्लम भी होती है चाय पीने से, जो लोग ज़्यादा पीते हैं। साथ में बिस्किट्स लिए थे 3 मैरीगोल्ड। फिर मैंने डिनर की तैयारी करी। डिनर की तैयारी देखो, मैंने ऑयल कितना कम लिया है, और ये जो गोभी थी ना 1.5 किलो गोभी में इतना ऑयल डाला है, सरसों का ऑयल है ये। फिर एक प्याज डाल दी मीडियम साइज की, और पिसी हुई साबुत लाल मिर्च अच्छे से भूना। फिर इसमें मैंने 3 कटे हुए आलू डाल दिए मीडियम साइज के थे, ठीक है। आलू डालने के बाद थोड़ा ऐसे ही भूनना है, थोड़ा आलू का कलर चेंज हो जाए तब तक, ठीक है। और आप देख सकते हो जो भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ कितना कम ऑयल में डालती हूँ, और ज़रूरी नहीं कि ऑयल डालो तभी आपका खाना अच्छा बनेगा। फिर इसमें मैंने प्याज
ऐड करा था, और लहसुन मेरा जब भी साबुत मिर्चों के साथ ऐड कर दिया था प्याज के साथ। फिर टमाटर डालने के बाद जो भी मिर्च पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, जीरा, काली मिर्च, ये सब ऐड कर दूंगी। फिर इसे अच्छे से भुनना है हल्के हल्के हाथों से। और अगर आप समझे नहीं हो तो मैं बता दूँ, मैं आलू गोभी बना रही हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना वेजिटेबल्स जो होती है ना, वो सर्दियों की स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जितना हो सकता है मैं उतना खाती हूँ। फिर दो हरी मिर्च और अदरक डाल दी। अदरक इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैं तो अदरक को पेस्ट भी डालती हूँ इसमें, क्योंकि जो गोभी होती है ना काफ़ी ज़्यादा बादी होती है मतलब, और लेकिन कैलरीज इसमें काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अपनी वेट लॉस जर्नी में ले सकते हो, क्योंकि हम डेली तो खाते नहीं है ये सब चीज़ें, कभी कभी हफ्ते में एक बार ले सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बादी होती है वेट गेन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें कैलरीज बहुत ज़्यादा कम होती है, और आपको डाइट में ये भी लेना चाहिए, जो भी सब्ज़ी है ना सब खानी चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट पोर्शन कंट्रोल करके और 32 टाइम च्यू करके, जो कि आजकल मैं कर रही हूँ चैलेंज। और बस कल से मेरा न्यू ग्रुप स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जी चलो इसमें सीटी मार देते हैं, 3, एक हाई फ्लेम पे, 2 मीडियम फ्लेम पे। और आप देख सकते हो ये कितना मतलब टेस्टी लग रहा है, और इसमें ऑयल बिल्कुल भी साइडों में नज़र नहीं आ रहा। अब बारी आती है बच्चों की फरमाइश की। बोला कि नहीं मामा, हम लोग पराठे से खाएंगे अपना जो आलू गोभी है, तो जयान मेहमान खाने वाले हैं, बाकी मैं फैसल को ज़्यादा पराठे शराठे नहीं देती। कभी कभी तो चलता है बिल्कुल हल्का सा घी लगा के, लेकिन इन बच्चों का क्या कहना है, मामा घी लगाओ देसी घी, तो थोड़ा ज़्यादा लगाना, थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, तो बस इसलिए थोड़ा ज़्यादा करके मैंने लगा दिया इनका। और बस मैं अपनी प्लेट दिखा देती हूँ आपको कि कैसे ले रही हूँ, अगर मैं काब वगैरह भी लेती हूँ, रोटी छोटी भी, तो बस ये गोभी ले ली, और थोड़ा सा मैंने ये क्या होता है खीरा, और रोटी का साइज़ देखो कितना है, बिल्कुल छोटा सा फुल्का, एक हथेली से थोड़ा सा बड़ा। तो आप इस तरीके से पोर्शन कंट्रोल करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं, घर का सब चीज़ें खा के। कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करनी, कुछ नहीं करना। मैंने स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करी थी पहले, जिसमें मेरा 1 मंथ में 12 kg गया था। तो इस तरीके से हेल्दी का, अगर महीने भी में भी ये सब चीज़ें खा के 3-4 किलो जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है चलो मैं अपना डिनर इन्जॉय करती हूँ। 8 बजे अपना डिनर करने बैठी थी। वैसे मैं जब रोटी लेती हूँ तो मैं 7 बजे तक कर लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। फिर नाइट ड्रिंक में मेथी दाना टी लेने वाली हूँ, अभी ली नहीं है, वीडियो डाल दी है पहले की है। ठीक है जी चलो ये था आज का पूरा दिन का। प्लीज़ लाइक करके जाना मोटिवेशन के लिए, और कमेंट करना, अच्छा अच्छा हिम्मत मिलती है आगे मुझे वेट लॉस करने की, वीडियोस बनाने की। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं डे 11 पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेल्दी खाओ, हेल्दी जियो, और हेल्दी रहो। बाय बाय।